नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। सतना लोकसभा क्षेत्र के सांसद गणेश सिंह और मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी की आपसी टसल किसी से छिपी नहीं है। नारायण त्रिपाठी इन दिनों पृथक मध्य प्रदेश की मांग को लेकर जन अभियान चला रहे हैं, तो वही दो दिन पहले नववर्ष मिलन समारोह के बहाने सांसद गणेश सिंह के प्रेस से मिले कार्यक्रम में सांसद जी ने कुछ ऐसा कह दिया जो विधायक जी को बड़ा नागवार गुजर गया। दरअसल पृथक विंध की प्रासंगिकता पर सवाल किए जाने पर सांसद ने कहा था कि दो चार जिलों से कोई पृथक राज्य नहीं बनता, यह एक काल्पनिक मांग है। बस फिर क्या था, विधायक जी ने भी वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि सांसद ने विंध्य प्रदेश को काल्पनिक कहकर विंध्य धारा का अपमान किया। उन्होंने कहा कि जब देश स्वतंत्र हुआ और राज्यों का निर्माण हुआ तो विंध्य प्रदेश बना था, मगर नेताओं की कमी के कारण 56 में उसका विलय कर दिया गया। वहीं सांसद गणेश सिंह ने कहा कि कोई भी राज्य का जो क्षेत्रफल होता है उसका भी एक निर्धारित सीमा होती है। कोई दो या तीन जिलों को या चार जिलों का राज्य बनता है क्या? जो प्रैक्टिकल नहीं है वो विषय काल्पनिक है, उस पर बातचीत क्या किया जाए। वहीं पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर सत्तारूढ़ दल के दोनों जनप्रतिनिधि आमने सामने हैं। पृथक विंध्य की मांग को जहां सांसद ने बेमानी बताया, तो वहीं विधायक नारायण त्रिपाठी वीडियो संदेश जारी कर सांसद के बयान की निंदा की। हालांकि जारी संदेश में विधायक की जुबान भी फिसल गई, जिस विंध्य को उन्होंने राष्ट्रगीत में बताया, दरअसल वह राष्ट्रगीत में नहीं बल्कि राष्ट्रगान में उल्लेख आया है। वहीं विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि सतना के सांसद गणेश सिंह ने विंध्य प्रदेश को काल्पनिक शब्द कहकर हमारी जन्मभूमि विंध्यधारा का कहीं ना कहीं अपमान किया है। सांसद जी, जब देश स्वतंत्र हुआ, राज्य बने तो विंध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, पर तमाम नेताओं की कमियों के कारण 48वां राज्य बनने के बाद 56 में उसका विलय कर दिया गया। मेरा आपसे आग्रह निवेदन है कि यह राष्ट्रगीत में भी विंध्य हिमांचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग है, विंध्य प्रदेश पहले था, विंध्य प्रदेश आगे भी रहेगा। आप जैसे चार चार बार के निर्वाचित सांसद जो विंध्य के लोगों ने बनाया, इस तरह से आपका बोलना कहीं ना कहीं विंध्य का आम जन का अपमान है। हमारी जन्मभूमि विंध्य धारा का कहीं ना कहीं अपमान किए हैं। सम्माननीय सांसद जी, जब देश स्वतंत्र हुआ, राज्य बने तो विंध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था, पर तमाम नेताओं की कमियों के कारण 48वें राज्य बनने के बाद 56 में उसका विलय कर दिया गया। मेरा आपसे आग्रह निवेदन है कि हमारे राष्ट्र गीत में भी विंध्य हिमांचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा है, विंध्य प्रदेश पहले था, विंध्य प्रदेश आगे भी रहेगा। आप जैसे चार चार बार के निर्वाचित सांसद जो विंध्य के लोगों ने बनाया, इस तरह आपका बोलना कहीं ना कहीं विंध्य के आम जन का अपमान है। हमारा विंध्य बनेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसी इलाके में दवाई की व्यवस्था होगी, पढ़ाई की व्यवस्था होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा, हमारा जो व्यापारी है उसका व्यापार बढ़ेगा और विंध्य प्रदेश हर हाल में बनेगा। इसलिए कि हमारे कहीं ना कहीं चुनाव के भावनाओं के अनुकूल नहीं था, इस वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि हम वो अध्यादेश अपना वापस लेते हैं जिस अध्यादेश को चुनौती दी गई थी, और उस आधार पर चुनाव हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग रोक दे और नए सिरे से हम उसका परिसीमन कराएंगे और उसके बाद हम चुनाव कराएंगे। उसी पर से ये चुनाव रोका गया और अभी सुप्रीम कोर्ट में कल पुनर्याचिका पर विचार हुआ है, लेकिन वो तारीख बढ़ा करके 17 जनवरी कर दी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुनर्विचार याचिका में सभी वर्गों को जो राज्य सरकारें प्रतिनिधित्व राजनीतिक देती हैं, ये गलत नहीं है, ये देना चाहिए, सब राज्य को देना चाहिए। कोई नौकरी का विषय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 50% की आरक्षण की सीमा है, इसके ऊपर नहीं जा सकते। ठीक बात, उसमें जाने का तरीका है कि हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, अनुसूची में 9 में पहले प्रावधान करना पड़ेगा, तब हम उस लेयर को आगे जा सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये सभी वर्गों को, लोकतंत्र की भावना यही है कि सभी वर्गों के लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी हो, और उस दृष्टि से राज्यों ने व्यवस्था की थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों बस लोग चले गए और वहाँ पर बहस गलत दिशा में चली गई, इस वजह से कोर्ट का ऐसा फैसला हुआ और कोर्ट पुनर्विचार कर रही है। मुझे लगता है कि यथावत पूरी स्थिति बनेगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।
खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।